आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी ऐसे जगह पर अकेले हैं जहाँ पर दूर दूर तक इंसान है ही नहीं, इंसान को छोड़ ही दीजिए, वहाँ पर जानवर भी नहीं है और वहाँ पर सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो आपके पास ना ही खाने के लिए कुछ और है और ना ही पीने के लिए, तो आपकी हालत उस समय कैसी होगी? तो आज हम ऐसे ही फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अगेंस्ट दी आइस और इस फिल्म को इसी साल रिलीज किया गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे, तो चलिए बिना कोई देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगेंस्ट दी आइस मूवी को जानने से पहले हम जान लेते हैं इस फिल्म के कलाकार के बारे में। इस फिल्म में हमें निकोलस कोस्टर बल्डोस, जो कॉल और हीडा रीड नजर आते हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं पेटल फ्रिथ ने। तो अब सीधा बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है कैप्टन और उनके दोस्त से, जो कि ग्रीनलैंड के बर्फीली धरती पर अपने मिशन को अधूरा छोड़ते हुए अपने कैंप पर पहुंचते हैं। कैप्टन तो ठीक होते हैं लेकिन उनके दोस्त की हालत खराब होती है क्योंकि उनके दोस्त का एक पैर ठंड के कारण जम जाता है। कैंप पर पहुँचते ही कैप्टन और उनके कुछ साथी वहीं पर उसका ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी में गुजर जाती है। फिर एक दिन कैप्टन उस मिशन को पूरा करने के लिए दोबारा उसी बर्फीली जगह पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार कैप्टन अपने दोस्त की खराब हालत को देखकर किसी और को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन इस मिशन पर जाने को कोई तैयार नहीं होता है सिवाय आयवसन के। आयवसन मैकेनिक इंजीनियर होता है, फिर भी वह कैप्टन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद कैप्टन और आयवसन निकल जाते हैं इस अनजान मिशन को पूरा करने के लिए जहां इनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी होगी। तो फ्रेंड्स, स्टोरी पूरी ग्रीनलैंड पर बनी है जहां आपको विंटर देखने को मिलेगा और इसकी स्टोरी परिस्थिति के साथ मैच करती है। तो अगर आप सर्वाइवल मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी। पर हाँ, शुरुआत में आप थोड़े से बोर हो सकते हैं लेकिन धीरे धीरे आपको ये मूवी अच्छी लगने लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अमेजिंग फिल्म के कैटेगरी में आती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।